चंद्रयान 2 के सफल प्रक्षेपण से भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल की है। अब तक चांद के पार जाने की कल्पना की जाती थी, लेकिन इसरो इस कल्पना को हकीकत में बदलने जा रहा है। इसरो अपने मिशन से चांद की उस सतह पर कदम रखेगा जहां आज तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच सका है। अमेरिका, चीन, रूस ने चांद पर अपना झंडा तो फहराया, लेकिन उसके दक्षिण छोर पर आज तक कदम नहीं रखा। इन सभी देशों से आगे निकलते हुए भारत दक्षिण पर जाकर अपना दम दिखाएगा। ये वाकई भारत के लिए गौरव की बात है। 22 जुलाई को जब आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से स्वदेशी चंद्रयान 2 अपने मिशन के लिए निकला, उस वक्त हर देशवासी का चेहरा खुशी से खिल उठा। और अब जैसे जैसे ये मिशन आगे बढ़ रहा है, भारत की खुशी बढ़ रही है। लेकिन झूठ फैलाने वालों की जमात इस जश्न में भंग डालने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पर चंद्रयान 2 को लेकर कुछ फेक तस्वीरें फैलाई जा रही है, जिससे जहां तक चंद्रयान 2 पहुंचा भी नहीं उसे वहां दिखाया जा रहा है। अद्भुत अकल्पनीय तस्वीरों के सहारे लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, जैसे मानो भारत का मिशन पूरा हो गया हो। तो इन तस्वीरों को तथ्य बनाकर सत्य पर दाग लगाया जा रहा है। किस दिशा को लेकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, आइए सबसे पहले उन अविश्वसनीय तस्वीरों पर ही नजर डाल लेते हैं। वाकई ये तस्वीरें देखने में बेहद आकर्षक हैं। कोई भी इन्हें देखकर गुमराह हो सकता है। इन तस्वीरों को ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर तेजी से फैलाया जा रहा है, जिसके साथ कुछ लोगों ने कैप्शन में लिखा है कि इसरो ने ये तस्वीरें शेयर की है। लेकिन कहते हैं ना कि जो दिखता है हमेशा वही सच नहीं होता, उसी तरह से फोटोज भी फेक है। जी हाँ, जब हमने इसकी जाँच पड़ताल की तो सच और झूठ सामने आ गया। असल में ये फोटोज एडिट की हुई है। हमने जब इन तस्वीरों की जांच की तो पता चला कि इनमें से कोई भी तस्वीर सच नहीं है। गूगल के एक साधारण इमेज सर्च से इन तस्वीरों के स्रोतों का पता चलता है, जो ट्विटर और पिंटरेस्ट से लेकर आर्ट हब जैसे टेवियन आर्ट और टम्बलर तक है। अगर आप गूगल पर नाइट साइट ऑफ अर्थ फ्रॉम स्पेस, चंद्रमा से सूर्य ग्रहण, मून एंड अर्थ आर्ट और ज्वालामुखी विस्फोट जैसे कैप्शन टाइप करेंगे तो आपको आसानी से ये तस्वीरें नजर आ जाएंगी। इन तस्वीरों में कुछ भी खास नहीं है और ये बात पूरी तरह से गलत है कि इन्हें चंद्रयान 2 ने लिया है और इसरो ने शेयर किया है। सोशल मीडिया पर इन दिनों झूठ फैलाने का जैसे कारोबार ही चल पड़ा हो, कभी किसी नेता को लेकर तो कभी किसी मुद्दे को लेकर। लेकिन आज तो देश को कामयाबी के शिखर पर ले जाने वाले इसरो को भी झूठ के सरदारों ने नहीं बख्शा। वैसे जहां एक तरफ अर्थ सत्य सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है, तो वहीं आधी हकीकत और आधा फसाना सड़कों पर भी जारी है। जी हाँ, इन दिनों उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक मंदिरों में मूर्तियों के दूध पीने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। कोई कृष्ण को दूध पिला रहा है तो कोई नंदी को दूध पिलाकर उनकी भक्ति में डूबा है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है, हर कोई दूध लेकर भगवान के दर पहुंच रहा है। लोग इसे आस्था कह रहे हैं, लेकिन ये आस्था नहीं बल्कि अंधविश्वास है, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं कि भगवान दूध पिए। ये हमारा नहीं बल्कि वैज्ञानिकों का मानना है। उनका कहना है कि मूर्तियां द्रव को अवशोषित कर लेती हैं, उनकी लेयर इतनी पतली होती है कि उसे आंखों से देख पाना भी संभव नहीं। श्रद्धालु सोचते हैं कि मूर्ति ने दूध पी लिया। वैज्ञानिक मानते हैं कि मूर्ति के दूध या पानी पीने के पीछे बाइनरी थ्योरम है। दरअसल संगमरमर या पत्थर की मूर्तियों या फिर फर्श या दीवार के भीतर पतली दरार पड़ जाती है, जिससे कभी कभी दूध या पानी भीतर जाता है। मूर्ति दूध पीती नहीं है, जगह मिलते ही वह किसी ना किसी हिस्से से बाहर निकलने लगता है। वैज्ञानिकों ने लोगों की आस्था को अंधविश्वास बता दिया, लेकिन बावजूद इसके लोग मंदिरों में भगवान को दूध पिलाकर भक्ति में डूबे हैं। लेकिन लोगों को ये समझना होगा कि अंधविश्वास में डूबने से कुछ हासिल नहीं होता। आज देश बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, लोग रूढ़िवादी सोच से बाहर निकल रहे हैं, तो फिर क्यों अब तक कुछ लोग अंधविश्वास में डूबे हैं। लेकिन अब वक्त बदलने का है और इस बदलाव के लिए टीवी लाइव हमेशा आप तक सच पहुँचाता रहेगा, आपको हकीकत से रूबरू कराता रहेगा। नमस्कार।